मवेशी के वध से नाराज लोगों ने बाजार बंद कर किया प्रदर्शन। स्थानीय पुलिस पर साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों के लोगों ने शुरू किया धरना बहराइच। कैसरगंज कोतवाली के बदरौली गांव में मंगलवार को अज्ञात मवेशी का वध कर दिया। जानकारी होने से लोगों में नाराजगी फैल गई। लोगों ने दुकान बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पाकर SDM, CO और कोतवाल पहुंच गए। हिंदू संगठन के लोगों से हड़ताल भी हुई। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के बदरौली बाजार से 200 मीटर की दूरी पर गन्ने खेत में प्रतिबंधित मवेशी का वध कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कोतवाली के एक उप निरीक्षक पर साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने बाजार बंद कर नारेबाजी शुरू कर दी। दुकान बंद कर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस की कार्यप्रणाली सेना राज हिंदू संगठन के श्रवण सिंह, बिसेन अमर शुक्ला, मर्कंडेश्वर शुक्ला, धीरेन्द्र सिन्हा गोलू, हनुमानत पाठक, रुद्रांश सिन्हा प्रिंस, शेखर सिन्हा, अंश सिन्हा, किशन सिन्हा, शिवम सिन्हा, आनंद गौड़, ललित यादव की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही SDM पंकज दीक्षित, क्षेत्राधिकारी रूपेंद्र गौड़ बैना, कोतवाल राजनाथ सिंह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की हाथ टाक भी हुई। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कैसरगंज राजनाथ सिन्हा को CUG नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। जनरत एक्सप्रेस। एक बात बताइए भाई साहब, मेरे कहने का मतलब यह है जैसे आप आ रहे हैं। क्या प्रकरण है? कुमार सिंह नाम है मेरा, रोहनी का निवासी हूँ। मेरे बदरौली गांव में गोष्ठी हुई है सुबह, और उसमें अभी कोई पकड़ नहीं हुई है, और उसके साथ मिटाने के लिए पुलिस उसका साथ मिटाने के लिए उसका सब लेके चली गई है, कहीं भेज दी है। और जो गड्ढा बना हुआ था जिसमें उसको रखा गया था, पाट दिया गया। और हमारे यहाँ के जो SSP महोदय है वो यहाँ तक अभी देखने नहीं आए हैं। पूरा जन आक्रोश है, लोग बैठे हुए इधर लेकर के, कोई अभी यहाँ तक कोई आया बोल नहीं। किसी के कैमरे में रिकॉर्डिंग की बात आई है, उसके साथ जुटाने की पब्लिक सबूत मांग रही थी, लेकिन तो पुलिस का पुलिस को निष्क्रिय कर दिया है। अच्छा, सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल।